गर्मियां बढ़ने के साथ बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। हर दिन अस्पतालों में उल्टी, दस्त, पेट दर्द आदि के पीड़ित होकर मरीज उन्नाव जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पताल में सुविधाओं का इतना टोटा है कि मरीज बढ़ने पर इमरजेंसी और वार्ड में 10-10 बेड बढ़ाए गए थे, अब वो भी कम पड़ गए हैं। मौजूदा समय में एक बेड पर 2-2 बच्चे लिटाए जा रहे हैं। डायरिया, हीट स्ट्रोक और सीजनल बुखार के ज्यादातर मरीज भर्ती किए गए हैं। इस तपती गर्मी की इमरजेंसी और वार्ड दोनों जगह बेड कम होने से एक बेड पर 2-2 मरीज लिटाकर इलाज किया जा रहा है। उन्नाव जिला अस्पताल के CMS का कहना है कि अचानक 4-5 दिन में डायरिया और मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मरीजों की संख्या बढ़ने पर हमने अपने अस्पताल में एक्स्ट्रा बेड लगा दिए हैं। अचानक 4-5 दिन से डायरिया और वोमिटिंग के मरीजों की संख्या बढ़ी है। अचानक डायरिया और वोमिटिंग के मरीजों की संख्या बढ़ने से हमने अपने अस्पताल में एक्स्ट्रा बेड लगा दिए हैं। इमरजेंसी में हमने एक्स्ट्रा बेड की व्यवस्था कर दी है और हर वार्ड में हमने वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1 में हमने एक्स्ट्रा बेड लगा दिए हैं, जिससे हमारे डायरिया वाले मरीजों को, उल्टी वाले मरीजों को बिल्कुल परेशानी ना हो। एक्स्ट्रा बेड लगाने से मरीजों, अचानक जो डायरिया के मरीज आ गए हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, मेरा ये भरसक प्रयास है, कोशिश है। सर, एक बेड पर 2-2 मरीज हैं, क्या कारण है बेड की? ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है एक बेड पर 2 मरीज नहीं है। अगर बाई देवे हो सकता है एक आध मिनट के लिए आया हो, अचानक इमरजेंसी में भीड़ हो, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड हमारा 24 बिस्तर का है और उसमें अगर अचानक हमारे पास में जो है 12 तारीख में 40 मरीज आ गए थे और 13 तारीख में लगभग हमारे पास 50 मरीज डायरिया के आए हैं, तो हो सकता है कि तुरंत ट्रीटमेंट देने हेतु एक बिस्तर पर 2 मरीज लेट गया हो, लेकिन लगातार कोई मरीज एक बिस्तर पर 2 लोग नहीं लेटे हैं, उनको हम लोग तुरंत वार्ड में शिफ्ट करा देते हैं, तो हो सकता है। एक तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने की बात कहती है तो दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का टोटा है। एक बेड पर 2-2 मरीजों को लिटाकर इलाज किया जा रहा है तो कहीं दवाइयों की कमी से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में अभी पूरी गर्मियां बाकी हैं। अब जब शुरुआत में ही ये हाल है तो जब गर्मी अपने चरम पर होगी तो क्या हाल होगा। इतना ही नहीं, कोरोना के मामले भी अभी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को अपनी सुविधाएं बढ़ानी ही पड़ेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल सिंह चौहान की रिपोर्ट।